बिहार के दम खाना। आज मैं आपके साथ समक चावल की खिचड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये खिचड़ी हम व्रत में तो बनाते ही हैं और जब भी हमारा मन करे हम इसे बनाकर खा सकते हैं। ये खिचड़ी खाने में बहुत टेस्टी होती है और इसको बड़ी आसानी से हम बना भी सकते हैं। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कटोरी चावल लिए थे, इनको धो के साफ करके मैंने रख लिया है। आधी कटोरी मूंगफली के दाने हैं, दो हरी मिर्ची इनको काट लिया है, एक चौथाई चम्मच जीरा है, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च, हाफ टी स्पून सेंधा नमक है और थोड़े से करी पत्ते हैं, दो मीडियम साइज के आलू थे इनको मैंने काट लिया है, चार टेबल स्पून घी है। अब मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दिया, इसमें मैं घी डाल देती हूँ। घी को गर्म होने दूंगी। घी गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। सबसे पहले मैं मूंगफली के दाने इनको फ्राई कर लेती हूँ। मीडियम फ्लेम पे इनको मैं हल्के हल्के लाइट ब्राउन कर लूंगी। मूंगफली के दाने फ्राई हो चुके हैं, अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। मूंगफली के दाने निकालने के बाद इसी कढ़ाई में मैं जीरा डाल देती हूँ, हरी मिर्ची डाल दूंगी, कड़ी पत्ते डाल देती हूँ। इसके बाद इसमें मैं ये आलू भी डाल देती हूँ। अब इन आलुओं को मैं 5 मिनट तक फ्राई करूंगी, जिससे ये आधे से ज़्यादा गल जाएंगे, बाकी के बचे हुए चावलों के साथ पक जाएंगे। ये आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैं ये नमक और काली मिर्च डाल देती हूँ। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। चावल डाल देती हूँ, मिक्स कर लूँगी इनको अच्छे से। अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। जिस कटोरी से मैंने चावल लिया था उसे 3 गुना पानी मैं यहाँ इसका डालूंगी। अच्छे से मिक्स कर लूंगी, गैस की फ्लेम को हाई कर देती हूँ और इस पानी और चावल में अब मैं उबाल आने देती हूँ। पानी में अच्छे से उबाल आने लगा है, अब मैं गैस की फ्लेम को लो कर देती हूँ। अब इसको मैं कवर करके 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगी, जिससे चावल पूरी तरह गल जाएंगे। 10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेती हूँ। देखिए खिचड़ी पूरी तरह बन चुकी है। इसमें अब मुझे मूंगफली के दाने डाल देती हूँ। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देती हूँ, इसको भी मिक्स कर लूँगी। इसको अब मैं एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी खिचड़ी बनके तैयार हुई है। ये खिचड़ी खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है। आप भी इस खिचड़ी की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।